बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। भले ही अमीषा हाल फिलहाल किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही, लेकिन उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्या वो सिंगल है या फिर कमिटेड है, ये सवाल बॉलीवुड की गलियों में काफी गूंज रहा है। दरअसल अमीषा और पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अमीषा और इमरान ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों अलका यागिनी और उदित नारायण के लव रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग दिल में दर्द सा जगह है गाने पर रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ना आप एक बार ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। वीडियो को शेयर करते हुए अमीषा ने कैप्शन में लिखा है, पिछले हफ्ते बहरीन में अपने सुपरस्टार दोस्त इमरान अब्बास के साथ काफी फन किया। बॉबी देओल के साथ मेरी फिल्म क्रांति का एक गाना इमरान और मेरे फेवरेट गानों में से एक है। वहीं इस पोस्ट पर इमरान भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए। अमीषा की पोस्ट पर इमरान ने कमेंट करते हुए बताया कि उन्हें इस वीडियो को शूट करने में काफी मजा आया और वो फिर से अमीषा से मुलाकात करने का इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों की केमिस्ट्री देखकर इनके फैंस तो बस यही पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, और ऐसे में दोनों के रिलेशन में होने की खबरें भी काफी तेजी से फैल रही है। वहीं खबरों की माने तो इमरान और अमीषा साथ में एक फिल्म भी करने वाले थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं अब दोनों के बीच में क्या सच में अफेयर चल रहा है या फिर दोनों जस्ट गुड फ्रेंड्स हैं, इस पर दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया। वहीं अमीषा पटेल के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो जल्द ही सनी देओल के साथ फिल्म गदर 2 में नजर आएंगी। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और गदर 2 के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं इमरान की बात करें तो इमरान कई पाकिस्तानी शोज और फिल्म में नजर आ चुके हैं। इमरान एक्टर होने के साथ साथ सिंगर और मॉडल भी है। इमरान ने विक्रम भट्ट की फिल्म क्रिएचर 3D से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ बिपाशा बासु नजर आई थी। इसके अलावा इमरान रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल में कैमियो रोल में भी नजर आए थे। अब अमीषा पटेल और इमरान के बीच में सच में कोई खिचड़ी पक रही है या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। वैसे आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।